तो फिलहाल दोस्तों मैंने इसे निकाल लिया है और आपके सामने इसे रखा है। तो इसका प्रॉब्लम और ये कितनी वेट का है और ये किस पैनल से चलता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ और इसे रिपेयर करके भी दिखाऊंगा कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज बात करने वाला है सोलर पैनल की, जो कि गांव-गांव में जो सोलर लगा होते हैं उस सोलर पैनल की। जैसे कि उस सोलर पैनल में कभी कभी फ्यूचर में चलते चलते बहुत दिनों के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे चार्जिंग नहीं होना, रात को जो है पैनल जो है ग्लो नहीं करना, जो LED है जो पार्किंग लाइट बोलते हैं इसे या डिम्पिंग लाइट भी बोलते हैं, या अपने गांव-गांव में लगने वाला जो LED जो लाइट है उस LED के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि सोलर पैनल के साथ आती है, बैटरी के 12 वोल्ट बैटरी के साथ आती है। तो कभी कभी इसमें फॉल्ट इसमें नज़र आता था कि जो LED है वो ग्लो कर रहा है, चार्जिंग ऑन दिखा रहा है जो LED के इंडिकेटर से, और लेकिन बैटरी जो है रात को चल नहीं पा रही है। कभी कभी बैटरी जो है ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, कभी कभी बैटरी जो है चलते चलते समय बंद हो जाती है और जो पैनल है वो चलता ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर लगा हुआ रहता है रेड कलर का LED, कभी कभी लगता है जो रेड कलर का LED है रात को लगाई हुआ रहता है और दिन में वो चार्जिंग के लिए ब्लिंकिंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज ऐसे ही सोलर पैनल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस सोलर पैनल का क्या प्रॉब्लम था और इस प्रकार से आप इस पैनल को रिपेयर कर सकते हैं और कौन से ऐसे पार्ट हैं जो मार्केट में मिलेंगे, और नहीं मिलते हैं तो आप कैसे इसमें जुगाड़ कर सकते हैं, इसके बारे में इस पैनल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो कि पैनल है 21 वोल्ट का ये पैनल है सोलर पैनल, और इसमें हमें मिलता है इनपुट 21 वोल्ट इसमें बन जाता है और आउटपुट हमें होता है चाहिए 12 वोल्ट, जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए और सोना जो इसका जो LED है उस LED को ऑन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम इसे फर्स्ट में स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि इसका जो पैनल का जो प्रॉब्लम है आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो सोलर पैनल है इसे हम रिपेयर करने इस वीडियो में वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले, ये तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप इसे मैं पलटी कर देता हूँ और यहाँ से आप देख जो है फ्रंट LED है जो आपको देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम इस पर नहीं लिखा है, और यहाँ पर हम आपको इसका डेटा शीट दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको रिपेयर करते समय आपको इसकी आसानी हो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर आप पूरी तरह से यहाँ पर देख सकते हो इसका जो बायोडाटा है यहाँ पर लिखा है, ASP 16 वोल्ट 0 प्लस 17.2 वोल्ट 3.14 एम्पीयर 21.7 वोल्ट 3.997 एम्पीयर्स 1000 वोल्ट DC 10 एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस बैटरी को खोल कर रखा है और सोलर पैनल को साइड में रखा है, जो LED ग्लो करता है उसे LED को भी साइड में रखा है ताकि हमारा जो समय है पूरी तरह से बच जाए। और यहाँ पर देख सकते हो ये सेल वाली बैटरी, इस बैटरी को हम कहते हैं इथेनॉल बैटरी। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में इसका नाम है इथेनॉल बैटरी, जो कि 3.7 से लेकर 4 तक इसे वोल्टेज में अटैचेज मिला है, और यहाँ पर है एक चार्जर लगा होता है जो DC चार्जर 24 वोल्ट इन और 12 वोल्ट आउटपुट देता है, और ये पूरी तरह से स्टील की पट्टी से इसे जंपिंग किया होता है क्योंकि कतील की जो वायर्स है ये इसमें नहीं लगते हैं, और अगर स्टील की शॉर्ट से अगर इसे शॉर्ट किया जाए तो ये अच्छी तरह से बैठेगा, इस कारण से इस प्रकार से इसे बनाया गया है। और इससे पहले भी इसका जो काम है किसी ने तभी इसका काम जो है करा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ सकता है और किस प्रकार से इसका जो चार्जर है वो ख़राब है या चालू है, ये हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह इसका काम पहले से ही किसी ने तो भी किया है, जो जंपिंग देके इसे ऑन किया है, और इसे ऑन करने का कोई आसान तरीके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि DC-DC चार्जर इस मार्केट में मिलता है, वो चार्जर अगर आप लगा देते हैं तो भी बैटरी जो है चार्ज होगा। जैसे कि मैंने इसे ये देख रहे हो यहाँ पर एक एडेप्टर है जो कि 12 वोल्ट 850 एम्पियर का है, इससे हम
इस पैनल को आपको मैं चला के दिखाने वाला हूँ, इस एलईडी को चला के दिखाने वाला हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बैटरी का फॉल्ट है या एलईडी का फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, इसे मैं सोलर पैनल की मदद से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका धूप जो है धूप कम हो गई है, इस कारण से ये चलेगा नहीं अभी इस समय में। तो मैं इसे चार्जर पर चलाऊँगा, तो इसे मैं प्लग में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें इसे मैंने प्लग में ऐड किया है और थोड़ा सा पिक्सल को ऐड किया, और इसका वायर को हम चेक करने वाले, जैसे कि कौन सा बैटरी का है और कौन सा पैनल का है। आप देख सकते हो यहाँ करा कि ये पैनल का वायर है, अगर यहाँ पर हम लगाएंगे तो बैटरी चार्ज होने की एलईडी ग्लो करेगा और पैनल से करंट आ रहा है इसका एलईडी इसमें ग्लो करेगा। अगर बैटरी का फॉल्ट होता है तो एलईडी जो है वो ग्लो नहीं करेगा। कभी कभी इसके जो फॉल्ट होते हैं जो कि रेड लाइट लग रह जाती है अगर ज़्यादा 5-10 मिनट चलने के बाद सोलर पैनल की, तो ये होता किस वजह से है और इसमें अभी इस फॉल्ट में क्या है। ठीक है, तो इसका जो चार्जर का जो वायर है ये है, जिसमें वाइट पट्टी है वो है रेड कलर का वायर, और जो है ब्लैक में इसे माइनस कलर का वायर है। ठीक है, देखकर दे गया पर थोड़ा सा एलईडी इसमें ग्लो किया है, और इसे एलईडी ग्लो करने के कारण आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर का एलईडी जो है ग्लो कर रहा है, जैसे कि बंद चालू हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन साइड में दूसरा जो ग्रीन कलर का एलईडी है वो नहीं चल रहा है, वो होता है बैटरी चार्जिंग का। ठीक है, ये है, ये बता देता है कि भाई सोलर से करंट आ रहा है लेकिन बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या इस एलईडी जो बल्ब है इसके अंदर भी एक पावर सप्लाई लगा होता है वो ख़राब है, या और दूसरा प्रॉब्लम दिखा रहा था। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट आता है तो इसका पावर सप्लाई ही ओके है और प्रॉब्लम हो सकता है बैटरी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज आने वाले, तो मल्टीमीटर पर आपको ध्यान देना है और मल्टीमीटर को देखना है कि यहाँ पर 200 के रेंज पर हम इसे रखेंगे और हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज आने वाले, जहाँ पर हमें 12 वोल्ट से आगे होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पर 18.1 वोल्ट इसमें आ रहा है, ये 24 वोल्ट तक ऐड कर सकता है, 24 वोल्ट तक इसका जो किट है जो इसमें सहन हो जाएगा और 24 वोल्ट लेकर 12 वोल्ट इसमें ऐड करेगा एम्पियर 7 एम्पियर तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसका जो बैटरी का वायर लगा दिया है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसके बैटरी के वायर को हम एडाप्टर से कनेक्ट कर देंगे। तो दिखा देखते हैं कि इसमें एलईडी जो है ग्लो करता है या नहीं करता है। तो एम्पर की वजह से ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसको एम्पेयर जो है ज़्यादा लगता है, 7 एम्पेयर तक, मतलब 700 एम्पेयर तक। तो मेरे पास सिर्फ 850 एम्पेयर है, वो केबी में है और उसे एमबी में लगता है, मतलब वोल्टेज में। ठीक है, तो एक देख रहे हो यहाँ पर कोई भी एलईडी इसमें ग्लो नहीं कर रहा है, और ये एलईडी जो है येल्लो कलर की, पहले भी ग्लो कर रही थी और अभी भी ग्लो कर रही है, लेकिन जो एलईडी जो फोकस है वो चालू नहीं हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ इसमें कंजेक्शन इतना है कि अगर आपसे कभी भी गलती से वायर अगर इधर उधर हो जाता है तो सोलर में जो है वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो आपका सोलर नहीं चलेगा, इस कारण से भी आपका प्रॉब्लम इस प्रकार से भी हो सकता है अपने सोलर में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपने जो वायर लगाया है वो कौन से वाले वायर को लगाए, जो कि सोलर से आने वाले करंट को या बैटरी से जाने वाले करंट को। ठीक है, अगर बैटरी को ये वायर लगा देता हो तो ये बैटरी चार्ज नहीं होगी लेकिन जो एलईडी है वो ग्लो करने लगेगा, तो हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा, सोलर को सोलर लगाना पड़ेगा वायर और बैटरी को बैटरी से, तभी ये सोलर पैनल जो है ऑन हो जाएगा। फिलहाल तो हम इसे चेक करते हैं इसके आने वाले वोल्टेज, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चिकट टेप लगा वाला जो है ये है सोलर का और दूसरा है बैटरी का। तो इस चार्जर का हम चेक कर लेंगे यहाँ पर आने वाला कितना वोल्ट इसमें दिखा रहा है, और वोल्टेज दिखा रहा है तो क्या उसमें वोल्टेज जो है
बैकअप ले रहा है, मतलब ताकत जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर वायर और दूसरा ब्लैक कलर वायर है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं चार्जर से चेक करता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर 0.9.0 वोल्ट इसमें दिखा रहा है, मतलब इससे वोल्टेज जो है कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही है। बैटरी चार्ज हो रही है लेकिन सोलर पैनल जो है, जो LED है वो ग्लो नहीं कर रहा। देख रहे हो यहाँ पर 8.9 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। यहाँ पर पूरा वोल्टेज इसमें दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहले 9. आप देख रहे हो यहाँ पर -15 वोल्ट इसमें कहाँ से दिखा रहा है, जो दूसरा माइनस वाला जो पॉइंट है वहाँ से, मतलब इसमें माइनस पॉइंट जो है इसमें वोल्टेज माइनस से नहीं आ रहा है, और दूसरे वाले पॉइंट को हमें मिल रहा है 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, 18 वोल्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने चेक किया तो यहाँ पर वोल्टेज हमें ज़्यादा दिखाता है, लेकिन माइनस पॉइंट है जो दूसरे पॉइंट जो बैटरी के जो वायर्स आए हैं जो वहाँ से इसे चार्जिंग जो है वायर वहाँ पर पावर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो DC to DC जो चार्जर है जो लगा हुआ जो किट आपको देख रहा है, यहाँ पर ये जो किट है ये ख़राब होने के कारण से यहाँ पर वोल्टेज जो है आप देख रहे हो, यहाँ पर जूम की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चार्जर किट है यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो हम इसे चेक कर लेंगे, फ्रॉक को चेंज करेंगे और मीटर को थोड़ा सा मैं आपको रेंज पर लगा देता हूँ ताकि आपको दिख सके कि वोल्टेज में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसके वोल्टेज चेक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको देख रहे हो यहाँ पर वोल्टेज अभी कम हो चुका है, 20 वोल्ट अभी दिखा रहा है, मतलब इसका जो किट है कभी ज़्यादा वोल्ट दिखा रहा है कभी कम वोल्ट दिखा रहा है। तो ये जो चार्जर है, जो DC चार्जर है जो कि बैटरी भी चार्ज करता है, इन भी करता है और आउट भी करता है, इसका जो बैटरी चार्जर अभी कभी वोल्ट दिख रहे हो, आप देख रहे हो कितना वोल्ट दिखा रहा है, 0.5 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है, कभी 20 दिखाता है कभी 12 दिखाता है। तो ये समझ चुके हैं कि इसमें भाई इसका चार्जर का जो प्रॉब्लम है कम्प्लीटली ये चार्जर का ही प्रॉब्लम है। तो हम इस प्रॉब्लम को, इस चार्जर को रिपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो MOSFET है मार्केट में नहीं मिलेंगे, और ये चार्जर भी DC to DC इस प्रकार का चार्जर भी मार्केट में नहीं मिलता है। तो हमने ब्लैक को ब्लैक कर दिया और रेड को रेड कर दिया। तो देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा है, कुछ भी यहाँ पर कौन सी भी LED ग्लो नहीं कर रही है, या फोकस जो है वो नहीं चल रहा है जो आपने, तो देख सकते हो कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा है, मतलब ये जो चार्जर है वो पूरी तरह से ख़राब है। तो हम इसे डायरेक्टली इसे चालू करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसे डायरेक्टली करेंगे, और कैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अभी वोल्टेज 5 वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब कम्प्लीटली चार्जर ही ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलता है 12 वोल्ट 11 वोल्ट, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 12 वोल्ट मिला, मतलब इससे ये बैटरी वर्क करेगा, जो माइनस वाले जो अंदर के जो MOSFET है वो ख़राब हो चुके हैं, रजिस्टर ख़राब हो चुके हैं, इस कारण से जो चार्जर है अपना वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इस चार्जर को हम रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें एक जुगाड़ कर सकते हैं, जिस कारण से आपका जो सोलर पैनल है या किसी और चार्जर को लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो पर हमें 11 वोल्ट मिल रहा है, मतलब 12 वोल्ट लगभग 11.09 यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, लगभग 12 वोल्ट के तरफ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी एक वायर की मदद से या किसी और की टेक्निक सहायता से हम इस यहाँ पर एक जंप करेंगे शोल्डर की मदद से, जो जंप आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि उसी जंप्स की वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो ऑन हो जाएगा, और प्रोडक्शन ऑन होने के बाद आपको जैसे वो पहले से वर्क कर रहा था उस प्रकार से ही वर्किंग करेंगे। जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर मैं इसके जो पॉइंट है, जो वायर है अपने LED के, जो वायर यहाँ पर जंप कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पर माइनस को माइनस लगा दिया है और प्लस को मैंने उस जगह पर लगा दिया है जो प्लस वाले पॉइंट पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही LED ग्लो कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि चार्जिंग बैटरी जो है चार्ज हो रही है, मतलब हमने जो वायर लिया है वो वायर लिया है अपने पैनल का, ठीक है, सोलर पैनल का वायर लिया है, इस कारण से ये बैटरी चार्ज हो रही है, इस वजह से इसमें इंडिकेटर दिखा रहा है। तो आपको समझ लेना है कि इससे हमारा जो वायर है गलत हो चुका है, इससे बैटरी जो है चार्ज होगी, लेकिन सोलर कभी भी नहीं चलेगा, पैनल जो है फोकस है जो नहीं चलेगा, क्योंकि इसका वायर जो है चेंज हो चुका है हमसे। तो हम इसके वायर को आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर पूरी तरह से वर्किंग कर रहा है, येलो भी इंडिकेटर है और ग्रीन भी LED इंडिकेटर जो है ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि इसका सोलर का वायर है। तो हम इसके वायर को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे दूसरे जो दो वायर के जो जोड़ है वो वायर को लगाएंगे, इससे हमारा जो पैनल है वो ऑन होता है या नहीं हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस को माइनस लगाएंगे और प्लस को
जो प्लस को प्लस लगाएंगे और माइनस को जो है वहाँ से जंप करेंगे जहाँ पर आपको मैंने अभी अभी वोल्टेज चेक किया है 12 वोल्ट का आरसी मिल रहा है और ये बैटरी जो है 12 वोल्ट से ही चलती है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से वायर को निकाल लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को लगाएंगे, ओनली माइनस वोल्ट इसमें मिसिंग है। माइनस वोल्ट से हम चलाएंगे इस पैनल को, जो बैटरी है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे ऑन किया, एलईडी ग्लो करा, जो येलो कलर की एलईडी है वो रुक गई है और हमारा जो पैनल है ऑन हो चुका है पूरी तरह से। देख रहे हो यहाँ से हमने लगा दिया तो अपना जो पैनल है पूरी तरह से ओके चल रहा है, जैसे आपको चलना चाहिए उस प्रकार से जो एलईडी ग्लो में अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हमें ये तो पता लग चुका है कि इसका जो बैटरी का फॉल्ट इसमें नहीं है, तो इसका फॉल्ट जो है चार्जर का फॉल्ट है। तो चार्जर को हम रिपेयर कैसे करेंगे ये देखते हैं, अगर कुछ मिलता है तो आपको मैं दिखा दूंगा। इस वीडियो पर बने रहिए, आपको इसमें समझाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस कारण से हमें बैटरी चेंज करनी पड़ती है या बैटरी को दूसरा नया बैटरी लगाना पड़ता है, जो कि 12 वोल्ट मार्केट में आजकल मिल रहा है, जो कि एसिड से हुआ होता है, एयर से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम चिकट टेप लगा के इसे पैक करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और हमारा बैटरी जो है पूरी तरह से बच जाए। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं किस प्रकार से इस बैटरी को जंप कर रहा हूँ, तो कि एक वायर की मदद से, ताकि मैं आपको सिखा सकूँ और इसमें दिखा सकूँ कि भाई चार्जर मतलब फ्री में इसे हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं सिर्फ मामूली एक वायर से। अगर बाद में अगर चलते चलते समय अगर इसे कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, ज़्यादा देर तक लैंप जो है नहीं चल रहा है, तो हम इससे भी हम कैसे बचेंगे, मैं आपको मार्केट में ये जो डीसी टू डीसी चार्जर मिलता है जैसे कि 24 वोल्ट इन और आउटपुट 12 वोल्ट, इस चार्जर की मदद से भी आप इस जगह पर चार्जर लगा सकते हैं और आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और अपने सोलर पैनल को ओके पूरी तरह से जो नाइट में चल रहा था पहले ही वैसी प्रकार से चला सकते हैं। सिर्फ डीसी 24 वोल्ट लेके 12 वोल्ट से चार्जर हमें चाहिए ताकि हमारा जो बैटरी है जो इसमें इन 12 वोल्ट होना चाहिए, 24 वोल्ट सोलर पैनल हमें देता है। देख रहे हो यहाँ पर वैसे ही मैंने इस वायर को जंप किया तो ये वर्किंग करने लगा है। ठीक है, देख सकते हो हमारा जो सोलर पैनल बैटरी है बैकअप है जो पूरी तरह से अच्छा बैकअप देगा और ये वर्किंग भी उसी प्रकार से कर रहा है जिस प्रकार से इसे करना चाहिए। तो इस वीडियो का यही मतलब था कि भाई आपको बैटरी कभी भी निकाल लेनी है लेकिन घर पर आप रिपेयर कैसे कर सकते हो, रिपेयर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शॉर्टेज नहीं होना, बैटरी क्या प्रॉब्लम है जानना और मल्टीमीटर से हमें वोल्टेज चेक करना चाहिए कि बैटरी का प्रॉब्लम है या अपने लैंप का प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस वायर को निकाल दिया तो हमारा जो लैंप है वो बंद हो चुका है। और अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर इस वीडियो में मैं बता नहीं सका हूँ तो या बता नहीं पा रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी इस लैंप के बारे में लेके आऊँगा। जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे पूछ सकते हैं, कौन सा मार्केट में मिलेगा पार्ट, कौन सा मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट की जानकारी भी पूरी इसमें हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।